Welcome to Traveling Rocks. In this video, we will explore Zurich Airport inside. Let's check it out. Airport tour कर लिया जाए और बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड किया जाए. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से जो शॉप्स हैं उनका जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर. द स्वीट ऑफ स्विट्जरलैंड. और ये आगे चलते इसी तरह से राइट साइड में ज़्यूरिक ड्यूटी फ्री. काफ़ी सारे ब्रांड भी देखने को मिलेंगे. अच्छी बात यह है यहाँ पे लोग इटालियन और स्विस चॉकलेट. और अभी मैं डाइटिंग पर हूँ, शुगर से दूर. मन को ललचा रहे हैं. बहुत ही सुंदर हर तरह से रेस्टोरेंट्स और वो क्या बात है, अच्छा लगा. और जैसा सुना था वैसा ही पाया. और जब कभी कहीं पहली बार जाते हैं तो ऐसे भी एक अलग उत्साह होता है, चीज़ें देखने की उत्सुकता होती है. उधर ड्यूटी फ्री. और सबसे अच्छी बात है, आप ये ऊपर के जो बनावट देखिए, दुकानों में अच्छे लाइट्स हैं, बहुत ही अच्छा. सबसे अच्छी बात है कि आप जो फ्लोर देखेंगे थोड़ी सी डार्क है, और जो ऊपर जो लाइट्स हैं डे टाइम है तो यह भी कारण हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लाइट्स लगाए गए हैं. कई साइड से लाइट्स आपको दिखाई पड़ेंगे. और अच्छी बात यह है कि जो फ्लोर है उस पर लाइट ना पढ़ने से क्या होता है कि आँखों को एक अलग सुकून. और ये स्विस लॉन्स स्टार अलायंस के साथ कुछ भारतीय भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. मतलब बाकी के एयरपोर्ट से ये विला एंटिनोरी वाइन्स के बोतल्स हैं, यहाँ के परंपरा और संस्कार के अनुसार अपने परंपरा को निभाते हुए. ठीक है, शांत भी है जो एयरपोर्ट है. फैमिली सर्विसेज, स्पेशल असिस्टेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. कैफे ओह वाओ. बाहर थोड़ा सा आप देखेंगे तो फोगी जो वातावरण है वो धुंध की तरह है, और थोड़ा सा ठंडा भी. चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ. मैं थोड़ा सा धीरे आवाज़ में बोल रहा हूँ, एकमात्र कारण है कि देश को भी ध्यान में रखना है. ऐसा भी ना लगे कि लोग सोचे देखो ये कैसे भारतीय है, इंडियन है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, इसने पहली बार जगह को देखा है. तो इसलिए हो सके तो मैं धीरे बोल रहा हूँ कि और फ़ोन को अपने मुंह के पास रखा हुआ है ज़्यादातर. मेरे आसपास के लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस, जैसा कि मैंने बोला, इंडियंस, भारतीय यहाँ देखने को मिल रहे, हो सकता है एशियन भी हों, से कभी कभी क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, दे लुक्स लाइक सिमिलर। सो इधर ठीक है, ले दे करके साफ सफाई भी ठीक है। और अभी तो इधर बहुत भीड़ दिखाई दे रहा है, कनारिया के लिए लोग जा रहे हैं। बहुत ही फेमस आइलैंड है और वहाँ पे अभी मोर देन 20 डिग्री टेम्परेचर। सो जो इस साइड के लोग हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये इन लोगों के लिए वहाँ पे बहुत ही सुंदर वातावरण। लोग आराम कर रहे हैं और अच्छा चेयर्स लगा रखे हैं, फ्री के चेयर है, मतलब बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है कि आपको पे करना है, बॉक्स की टाइप है। ओके, ये तनारीफ है कनारिया के लिए, छोटी सी बस। ये कुछ नया है, यहाँ से आप ओके ड्राइव कर सकते हैं। स्टार्ट हियर एनवायरमेंटल टूर। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन बताए रखे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए मनपसंद जगह यहाँ पे। अच्छी बात है कि जो सीटिंग है बहुत ही सुंदर देखने को मेरे को मिला। यहाँ पे चेयर्स है, काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, या कलर भी ठीक है। फिर से एक ड्यूटी फ्री। मेरे मित्र संग्राम जी हैं, उनको ड्यूटी फ्री बहुत पसंद है। वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के, कोपेनहेगन में, और उनका व्यवहार बहुत ही सुंदर। अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा मैं इस साइड में आ गया। एयरपोर्ट के ऊपर में जब अपने लोग मिलते हैं तो एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही आनंद। किड्स कॉर्नर आगे भी, लेकिन एक ही दुख है, बाहर निकलेंगे तो जो वातावरण है वो थोड़ा सा धुंधला है। और अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना नाश्ता किया जाए पहले और फिर यहाँ से निकला जाए। तो हमारे लिए अभी हम शुगर से दूर हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा ये ब्लूबेरी और थोड़ी सी वाटर, और बड़ी शांति, कंफर्टेबल सीट।